एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकिता ब्यूटी ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की कुर्ती हॉल्स। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किए और अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग पैटर्न के जो कुर्तीज हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हो, वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन और आप ये जो कुर्तीज हैं आप किसी की मेहंदी में पहन सकते हो, किसी की हल्दी में पहन सकते हो। तो ये जो मैंने अलग अलग तरह से पिक करे हैं, कलर भी एंड द पैटर्न ऑल्सो, तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो मैंने बहुत सारे कुर्तीज सेट्स एंड कुछ अनस्ट्रेच सूट्स भी परचेस करे हैं गाइज। तो आज की वीडियो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं जानते कि मीशो क्या है, तो मीशो इंडिया की सबसे नंबर वन की रिसेलिंग ऐप है, जहां से आप प्रोडक्ट परचेस भी कर सकते हो खुद के लिए या फिर रिसेल भी कर सकते हो किसी और भी कस्टमर के लिए। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे मीशो ऐप, तो आपको 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पर। तो चलिए अब मैं वन बाई वन करके जितना मेरा ये कुर्ती कलेक्शन मैंने मीशो से परचेज करा है वो वन बाई वन करके दिखाती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक ग्रीन कलर का कुर्ता है। और ये वाला जो ग्रीन कलर का कुर्ता है गाइस, ये जो जॉर्जेट होता है फैब्रिक, ये उसमें है। एंड ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह है बहुत ज्यादा सुंदर है। और इस पे इस तरह का ये आप यहाँ साइड से भी देख सकते हो, मैं स्क्रीन में दिखा दूंगी इसको एज अ वेयर करके, तो आप ये देख सकते हो। ये जो कुर्ता है गाइज, ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, और आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो गला है गाइज, यहाँ पे आपको प्रिंट में वर्क दे रखा है, किसी भी तरह के आई थिंक ये निकलने वाला नहीं है। अगर आप वॉश भी कर लेंगे तो ये बिल्कुल नहीं निकलने वाला। और यहाँ पे कुछ ये फ्लावर्स का पैटर्न दे रखा है वो मुझे, और जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है गाइज। और यहाँ पे ये इस तरह का जो श्रग लुक आता है, इस तरह का जॉर्जेट फैब्रिक में दे रखा है। एंड जो इसका फैब्रिक है गाइज, बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेटेड है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना एक मुट्ठी वाला कपड़ा, ये वही है। और बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, आप इसको किसी भी ओकेजन में भी पहन सकते हो, जींस पे भी कैरी कर सकते हो, लेगिंग्स पे भी कर सकते हो। बट बेस्ट रहेगा अगर आप इसको जींस पे कैरी करो, क्योंकि उस पे ना ये बहुत ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। और ये जो कलर है गाइस काफी अच्छा, बहुत ज्यादा इंग्लिश कलर जिसे बोल सकते हैं, पैरेट सा, पैरेट भी नहीं है ये, एग्जैक्टली ग्रीन भी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन में है। और बहुत ही अच्छा कलर है इसका, आप ये देख सकते हो। इसका मैं आपको प्रिंट दिखा दूं, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला इसका जो प्रिंट है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसका जो प्रिंट है। और इसका जो फैब्रिक है आई थिंक कि साटन नहीं गए, साटन प्लस जो एक तरह से रियॉन होता है फैब्रिक, ये उस तरह का कपड़ा है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप ये देख सकते हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन कर दिया है कि किस तरह से इसका लुक आने वाला है। पीछे से ये एकदम प्लेन है, ये देखो एकदम प्लेन है इसका। एंड जो इसकी स्लीव्स हैं वो अगेन जॉर्जेट में है, और नेट थोड़ा हल्का सा कपड़ा है। और ये मैं एक बार ऐसी ये दिखा देती हूँ आपको, ये कुछ इस तरह की इसकी स्लीव्स आएंगी, वन एंड थर्ड स्लीव्स आएंगी। वो मैंने यहाँ पे अभी रेड कलर का ये कुर्ता पहन रखा है, इसलिए आपको ये थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट आप ओवरऑल जो वीडियो चल रही है उसमें देख सकते हो उसका जो लुक आएगा गाइस, ठीक है। एंड जो मैंने सेकेंड लिया है, इट्स अ अनारकली टाइप ऑफ कुर्ती। एंड जो इसका कलर है वो नेवी ब्लू है, आई थिंक मे बी आपको वीडियो में थोड़ा लाइट दिख सकता है। और ये जो कुर्ती है गाइज, इसका जो प्रिंट है आप ये देख सकते हो, आई थिंक ये निकल जाएगा, जहां तक मुझे लगता है ये वाला जो प्रिंट है वो निकल सकता है। एंड इसके साथ में आपको एक दुपट्टा भी मिलता है, ये आप देख सकते हो, इसके साथ में ये दुपट्टा आपको मिल रहा है। और इस दुपट्टे पे भी पूरा वर्क हो रखा है, ये आप यहाँ पे जो वीडियो चल रही है उसमें भी देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसको वेयर करके। और ये जो दुपट्टा है काफी अच्छी लेंथ है, एंड जो इसका मटेरियल है प्योर कॉटन है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है गाइज, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये। और इस पे ये कुछ इस तरह के बीट्स बने हुए हैं, एंड जो इसका पैटर्न है ये कुछ इस तरह से बीच में, इसके दुपट्टे के बीच में इस तरह से कुछ पैटर्न दे रखे हैं। एंड ये मुझे लग रहा है गाइज कि इसका जो प्रिंट है वो निकल जाएगा, तो आई सजेस्ट अगर आप इस वाले कुर्ते को परचेस करोगे तो एक बार मेक श्योर हो जाना कि आप एक बार वॉश करके देख लेना,
बट एक बार और बता दूं, अगर आपने इसको वॉश कर लिया तो ये अगर आप एक्सचेंज करना चाहोगे तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो बहुत सोच समझ के इसको वॉश करना। बट मुझे, मैं इसको वापस करने वाली हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि ये वाला जो प्रिंट है ये बिल्कुल पक्का निकल जाएगा। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो इसका गला है बहुत ज्यादा मुझे सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिटी सा गला है। बट ये साइज भी मुझे थोड़ा बड़ा सा आ गया है और मैंने एक्सल मंगाया था, ये एक्सल में 42 वाला दे रखा है, तो ये साइज मेरा बड़ा है। और ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से इसका जो प्रिंट है, काफी प्रिंट वैसे ठीक लग रहा है, देख लुक वाइज बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है गाइस। ये इसका चोली वाला लुक है, ये आप देखो इसका जो चोली वाला लुक है ये इस तरह से आएगा, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह के स्ट्रिप लग रहे हैं, और ये कुछ जो फुंदना कहते हैं ना गाइस, ये वो है उस तरह का जो हम अधिकतर जो पंजाबी सूट होते हैं उनकी दुपट्टे में देखते हैं ना, वो है ये। और यहाँ पे ये इस तरह का जो घेर है काफी अच्छा घेर है, एंड जो बॉटम है इसका वहां पर इस तरह का ये बॉटम में ये वर्क दे रखा है गाइस, काफी अच्छा वर्क है। खैर मतलब वर्क तो नहीं, प्रिंट है, ये प्रिंट काफी अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, बट यही है कि ये वॉश करने पर निकल जाएगा गाइस, जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतना अच्छा कुर्ता है ये मुझे वापस करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अब क्या करूं, ये प्रिंट और इसका जो प्राइस है, सबके प्राइस गाइस आपको मेंशन हो जाएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो सबके प्राइस। मैं स्टार्टिंग में ही जब कुर्तीज दिखा रही हूँ तो स्टार्टिंग में ही आपको प्राइस भी मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एंड जो इनकी, अगर आप इनमें से कोई परचेज करना चाहते हो तो सबके कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, मैं सबके कोड आपको अवेलेबल कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये इस तरह से आप ओवरऑल लुक देख सकते हो इस कुर्ते का, और इसके बैक पे भी गाइस सारा वर्क हो रखा है, मतलब और ये जो पूरा कुर्ता है गाइस बड़ा ही पूरा भरा भरा सा है, जो बहुत अच्छा लगेगा वेडिंग सीजन में भी, अगर आप इसको हल्के फुल्के फंक्शन में भी कैरी कर सकते हो, तो अगर एक दो बार पहन लो उसके बाद अगर प्रिंट निकल भी जाता है तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे गाइस। सो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आई थिंक मुझे ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा जिंदगी भर से ही पहनूंगी, बट हाँ थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो ये वाला प्रिंट पक्का निकल ही जाएगा गाइस। अदरवाइज आपका अगर मन है तो आप इसको रख सकते हो, एक दो बार पहन के आप छुट्टी करो, क्या करना है गाइस, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो एक आध आप पहन लो, फिर वेस्ट पहन लो, फिर रिजेक्ट कर दो, ठीक है गाइस। ये वाला जो कुर्ता है ना, इन सब कुर्तों में से मुझे ये वाला कुर्ता बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसका जो कलर है, इसका जो प्रिंट मतलब जो वर्क है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है, अगर आप टॉल हैं, अगर आप लंबे हैं तो ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, एंड मेरी हाइट भी काफी अच्छी है गाइस, तो ये वाला कुर्ता मुझे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे मैं दिखा दूं, ये कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा डार्क ग्रीन में है, जो कि अधिकतर मेहंदी के टाइम पे आप लोग कैरी कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लुक देगा आपको, आप इसको एज अ लाइट ज्वेलरी के साथ पहन लीजिए, और अगर चाहो तो नेकलेस ना पहनते हुए, क्योंकि ये जो इसका जो गला है काफी हैवी दे रखा है, आप सिर्फ जो हैवी इयररिंग्स हैं उसके साथ इसको कैरी कीजिएगा, इट्स गोना बी ऑसम, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये जो है इसकी स्लिप्स हैं बहुत अच्छे हैं, आई थिंक फुल से थोड़ा सा कम होंगे, 1/3 नहीं, 1/3 से ज्यादा है ये, और यहाँ पे भी स्लिप्स पे भी काफी अच्छा वर्क दे रखा है गाइस, ये आप देख सकते हो काफी अच्छा वर्क दे रखा है, और ये सारा वर्क प्रिंट नहीं है, ये जरकीन में है, जो धागे की कढ़ाई होती है जरकीन वाली ये उसमें है, अगर आप लोग जानते हैं जरकीन क्या होता है तो ये उसमें वर्क दे रखा है, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ दे रखा है, ऐसा नहीं है कि अनफिनिश है, और जो वर्क है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड जो उसका कलर है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये नीचे इस तरह से जो अनारकली टाइप में होते हैं वैसा इसका घेर आने वाला है, और बट ये नीचे से एकदम प्लेन है, पीछे से भी बिल्कुल प्लेन है, जो आप देख सकते हो ये पीछे से भी बिल्कुल प्लेन है, बस इसके आगे ही वर्क दे रखा है, एंड जो इसकी स्लीव्स हैं उस पे वर्क दे रखा है गाइस, ठीक है। तो ये वाला भी आप अगर परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, और यहाँ स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा होगा कि इसका लुक कैसा आ रहा है।
इसके बाद गाइज मैंने दो यहाँ पे स्ट्रेस सूट्स मंगाए हैं और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो है ये लाइट ग्रीन है, जिसे तोते कलर कहते हैं, ये उस तरह का कलर है जो बहुत ज्यादा हैवी लुक दे रहा है। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, एक बार आप देख सकते हो ये वाला जो कलर है एंड जो इसका डिजाइन है गाइज, लुक एट दिस, बहुत ही ज्यादा प्रिटी ब्यूटीफुल सा है। और ये जो सूट है इसके साथ आपको एक इस तरह का शिफॉन का दुपट्टा मिलेगा एंड मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से खोल के भी एक मिनट। तो ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से ये सूट है और लेंथ वाइज भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा हैवी है। ये आप देख सकते हो इसके जो गला है ये पूरा हैवी, ये आप देख सकते हो पूरा हैवी गला है, काफी अच्छा वर्क हो रखा है यहाँ पे। ये जो धागे की कढ़ाई होती है ये वो वाला वर्क दे रखा है, जर्की नहीं है गाइज। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह के जो बीट्स होते हैं, मोती होते हैं, वो स्टिक कर रखे हैं इन लोगों ने और ये कुछ इस तरह का ये वर्क अगेन यहाँ पे हो रखा है। एंड ये जो कपड़ा है काफी अच्छा, आई थिंक ये जो एक तरह का जो अस्तर वाले सूट होते हैं ये वो वाला सूट है। और ये वाले जो सूट हैं गाइस आप अगेन मेहंदी फंक्शन में पहन सकते हो इस तरह के कलर, और क्योंकि ये हैवी सूट है तो न्यू ब्राइड पे भी बहुत अच्छे लगेंगे ये वाले इस तरह के हैवी जो सूट्स होते हैं। अगर आप न्यू ब्राइड हो तो बिल्कुल इसको कैरी कर सकते हो, या फिर बनने वाली हो न्यू ब्राइड तो उसको उस टाइम पे भी आप इसे कैरी कर सकते हो, अपने मेहंदी फंक्शन में पहन सकते हो इसे। एंड जो इसका वर्क है गाइस, जो दामन है कितना सुंदर, जो धागे की कढ़ाई हो रखी है आप ये देख सकते हो, धागे की कढ़ाई का कितना सुंदर वर्क अच्छा सा हो रखा है। मैं आपको एक बार, अगर ये क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं है गाइस, अगर ये मैं इसको अगर स्ट्रेच करवा लूंगी उसके बाद में अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर वीडियो में डाल पाई स्क्रीन यहाँ पे वीडियो में जो डाल रही हूँ, क्योंकि इसका ओवरऑल लुक जो आएगा अगर पॉसिबल हो पाएगा, स्ट्रेच हो पाएगा ये टाइम पे, तो मैं जरूर यहाँ पे डाल दूंगी। अदरवाइज सॉरी मैं नहीं डाल पाऊंगी। मैं आपको एक बार ऐसे ही ओवरलुक दे देती हूँ इसका, ये कैसे लगने वाला है, ठीक है गाइज। तो जस्ट अ मिनट। सो गाइज ये जो है ये इसका बॉटम है, एकदम जो लास्ट बॉटम है ये वो वाला पैटर्न है यहाँ पे, कुछ इस तरह का इन लोगों ने एक तरह की जो लेस होती है गोल्डन कलर की लगा रखी है। इसके बाद में इस तरह का ये वर्क हो रखा है एंड इसके बाद में जो दामन होता है ये वो वाला दामन है गाइस, आप देख सकते हो ये वो दामन है। एंड ये यहाँ पर ये पूरा गला है, तो इसका जो लुक है गाइज ये कुछ इस तरह से आएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा एक तरह से ओवरऑल जो व्यू है लुक आएगा इसका, इस वाले सूट का, मैं वो आपको दिखा दे रही हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ठीक है गाइज। और अगर ये वाला सूट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसका भी कोड मैं मेंशन कर दूंगी। ये वाला जो सूट है गाइस बहुत ज्यादा हैवी है, तो इसलिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और कपड़ा भी इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है। बट इसका जो सलवार है ये कुछ इस तरह से प्लेन में है, ये इस तरह से इसका आप प्लाजो बनवा सकते हो, अगर सलवार आपको पसंद है वो भी बनवा सकते हो। और अगर आप एज आ इसको पैंट्स जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आप उसको वो भी बना सकते हो। और मेरी तो अगर आप इसको परचेस करोगे गाइस तो पैंट बनवाएं वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इस पे। सो ये वाला जो सूट है काफी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी मुझे पसंद आ रहा है ये वाला सूट। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना जो भी मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ सबसे अच्छा आपको कौन सा वाला सूट लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड ये जो लास्ट सूट है गाइस ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला जो सूट है ये एकदम येलो कलर का मैंने परचेस करा है, और इसे आप अपनी मेहंदी में फंक्शन में पहन सकते हो, या आपकी फ्रेंड की मेहंदी है उसमें पहन सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप पूजा पाठ में भी येलो कलर काफी अच्छा रहता है उसमें भी पहन सकते हो। और गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता कि पूजा पाठ में किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये वाला जो सूट है इसकी बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हो ये वाला जो सूट है इसका जो फैब्रिक है प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा मतलब सॉफ्ट टच वाला है, लाइट वेटेड है। एंड जो इसकी फिनिशिंग है, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ज्यादा अच्छी है,
और ये कुछ यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन कलर की कढ़ाई हो रखी है और यहाँ पे बीच में इस तरह के कुछ बटन्स डिजाइन फैंसी जो बटन्स होते हैं वो लगा रखे हैं जो बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यू नो डिफाइन कर रहे हैं इस लुक को। एंड यहाँ पे ये जो गला देख सकते हो यू शेप में इसका गला दे रखा है एंड ये भी अनस्ट्रेच है और अगर ये भी स्ट्रेच हो गया तो मैं डेफिनेटली स्क्रीन पे आपको मेंशन कर दूंगी इसका जो लुक आएगा। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह के छोटी छोटी जगह पे मतलब छोटे छोटे फूल्स हैं थोड़ी थोड़ी जगह दूर दूर दे रखे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा मतलब लाइट वेटेड के साथ से ये थोड़ा ऊपर से हैवी भी लुक दे रहा है आपको जो बहुत अच्छा सा मतलब अच्छा लगेगा पहनने के बाद में। और इसका जो दुपट्टा है अनफॉर्चुनेटली गाइज वो मेरी बेबी सब पता नहीं कहाँ मिस हो गया, छुटा है मेरा बेबी बहुत तो उसने पता नहीं कहाँ रख दिया तो मैं वो वाला दुपट्टा नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, बट हाँ अगर वो मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे शो कर दूंगी, सो सॉरी फॉर दैट गाइज। एंड ये जो कॉटन का कपड़ा है गाइज ये आपको समर में बहुत ज्यादा रिलीफ देता है, कॉटन के जितने भी कपड़े होते हैं वो आपको विंटर में तो ठीक है बट समर में वो बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। तो आप अगर यू नो मेरी तरह है कि विंटर में ज्यादा वुलन्स पर खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि जो विंटर्स हैं वो 2 महीने के ही रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं विंटर के टाइम पे जो वुलन्स होते हैं उनपे पैसे वेस्ट बहुत ज्यादा कम करती हूँ। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना और अगर मेरी बात से सहमत हो तो ठीक है। और ये वाला जो कुर्ता है गाइस ये ओवरऑल इस तरह से है, आप ये देख सकते हो लास्ट में ये कुछ इस तरह की यहाँ पे पट्टी इन लोगों ने दे रखी है जो मुझे तो ठीक नहीं लग रही है, आप बताओ आपको कैसी लग रही है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और इसको अगर मैं स्ट्रेच करवाऊंगी तो बिल्कुल इसको हटवा दूंगी और मे बी ना भी हटवाऊंगी, ये डिपेंड करता है कि जो टेलर होते हैं वो उनका भी सजेशन लेना बहुत जरूरी होता है ना। आप लेते नहीं लेते अपने टेलर्स का सजेशन? मैं तो लेती हूँ भाई क्योंकि वो काफी अच्छी सजेशन भी देते हैं मुझे तो मैं जरूर लेती हूँ उनके सजेशन। तो इसका जो कुर्ती है सॉरी वो इसका जो सलवार का कपड़ा होता है या फिर आप प्लाजो का ये कुछ इस तरह का कपड़ा है जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया और मैं इसको स्ट्रेच भी नहीं करवाने वाली, मैं सिर्फ इसका जो कुर्ता होता है वही स्ट्रेच करवाने वाली हूँ। और ये जो कुर्ता है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आप ये देख सकते हो, आप मतलब मेहंदी में तो छोड़ो आप इसको हल्दी में तो जरूर ही पहन सकते हो गाइस, और इसलिए मैंने जो कलर है इसी तरह के पिक करे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि इस तरह के कलर आप मेहंदी रस्म में पहन सकते हो या फिर हल्दी रस्म में पहन सकते हो या फिर जो महिला संगीत होता है गर्ल्स का वो उसमें पहन सकते हो। तो ये जो आज की जो वीडियो थी जो कुर्ती सेट के बारे में थी ये सिर्फ जो वेडिंग सीजन चल रहा है उसके ऊपर ही बेस थी क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको मैं देखो मैंने आपको ये येलो वाला दिखाया एंड देन ये लाइट ग्रीन दिखाया, इसके बाद में एक और ग्रीन दिखाया, ये वाला ग्रीन दिखाया था। तो ये वाला जो ग्रीन था आप इसको डेफिनेटली जो आपकी मेहंदी रस्म वगैरह होती है आपकी फैमिली में भी होती होंगी गाइस वहां भी पहन सकते हो। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने सेलेक्ट करे थे ये बेस पे सेलेक्ट करे थे जो वेडिंग सीजन चल रहा है आप उसके हिसाब से जो मेहंदी रस्म वगैरह होती हैं और सबके यहाँ ही अधिकतर आप किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, अगर आप मुस्लिम हैं तो भी, अगर आप हिंदू हैं तो भी यहाँ पे इस तरह की रस्में सबके ही होती हैं गाइस। और आप बिल्कुल इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कपड़े परचेज कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये वाला मीशो हॉल जो है कुर्ती सेट पे बेस्ड है, वेडिंग सीजन के ऊपर बेस्ड है, आप लोगों को पसंद आया होगा। और भी मेरे मीशो हॉल्स हैं आप लोग उनको चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कुर्ती के जो हॉल्स हैं वो भी मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, आप चाहो तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइज। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छा लगा गाइज तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबके साथ शेयर जरूर कर देना क्योंकि ये वेडिंग सीजन के जितने भी कलेक्शन है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को सजेस्ट करे हैं। और प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो टेक केयर एंड बाय।